तो यार आज अपन लोग जा रहे हैं पठानकोट यानी मिनी गोवा में, जो कि एलपीयू के विदिन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ले जाई जा रही है। प्लस यहाँ पे जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हॉरिजन है, जो कि ट्रैवलिंग वगैरह देख रहे हैं और बाकी खाना पीना अपना देख रहे हैं। और आज अपन लोग निकल चुके हैं और काफी सारी यूट्यूब की मंडली यहाँ पे आई हुई है, सबसे आपको मिलवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आते हैं आपके यूट्यूब चैनल पीकेबी प्रियम के ब्लॉग्स में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि आपको मचाना है। तो चलो यार अभी मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ कौन कौन अपन लोगों के साथ आए हुए हैं, और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, तो थोड़ा हल्ला मचाना जैसे ही मैं कैमरा उधर करूंगा। सो इन सबको मैंने पैसे दिए थे हल्ला मचाने के लिए। तो अब दो मिले नहीं पैसे, मैंने बात वो ऑफ कैमरा होता है। तो इनमें काफी सारे यूट्यूबर्स हैं और कुछ जो है यहाँ पे विसिन क्लब से, ऑर्गेनाइजेशन से। तो अपना नाम और कौन से नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूट्यूबर नेम यश पांडे ऑफिशियल गेमिंग। ओके मैं, मेरा नाम अश्मीत सिंह है, मैं यूट्यूबर हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, डेली ब्लॉग्स मेरे आते हैं अश्मीत सिंह पे। भाई मेरा नाम अशरफ है और मेरा YouTube चैनल है यूथ पीस ट्यूब करके, जाके सब्सक्राइब करो और देख लो क्या बना रहा हूँ। हाँ। इसको बोलते हैं भाई दूसरे के चैनल से फेम लेना। मेरा नाम रितेश है और मैं बिहार से हूँ, मेरा भी YouTube चैनल है जिसपे मैं क्रिप्टो के बारे में बताता हूँ। हाँ। एक क्रिएशन चैनल का नाम है। हाय माय नेम इज आदित्य, आई एम फ्रॉम टीम विजन, आई एम द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस ट्रिप। हाय आई एम स्नेहा कपूर फ्रॉम बीटेक सीएससी, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड आई एम अ को-सीईओ ऑफ विजन ऑर्गेनाइजेशन। आई एम प्रभांशी, आई यूज हिज इंस्टाग्राम विद द सेम नेम प्रभांशी04। ओके सो इसको तो आप लोग पहले जानते हो चैनल से। अब आगे हाय एवरीबॉडी, आई एम निधि और क्या बोलूं, मेरा नाम शशांक है एंड आई रिप्रेजेंट विजन ऑर्गेनाइजेशन एज इवेंट हेड। मैंने तो कहा चेन अप दे दो। शेष भाई सीएससी फर्स्ट ईयर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड आई एम द चीफ टेक्निकल ऑफिसर हियर एट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विजन। थैंक यू। तो चलो आई होप सब लोग का इंट्रो आप लोगों ने देख लिया होगा, और हम सब लोग पूरे दिन पूरी ट्रिप पे काफी ज्यादा मजे करने वाले हैं, और वो सब कुछ हम आपको भाई रियलिटी दिखाना, साफ सीधी बात है भाई, जो बात है साफ। ये बंदा बहुत रियल है, ये बंदा पूरे ब्लॉग में रियलिटी बोलेगा। मैं दिखाऊंगा भाई, मजा आएगा तो मजा कराएंगे, नहीं मजा आएगा तो नहीं, पर हम फन करेंगे भाई, क्योंकि हम यूट्यूब पे वीडियो भी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको जो है आप तक एंटरटेनमेंट पहुंच पाए। और अभी हम लोग इधर एक कैफे पे बाबा रेस्टोरेंट करके यहाँ पे वहाँ रुके हुए हैं। अभी हम लोगों ने जो है खाना ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि टाइम जो है वो आई थिंक 12:34 हो रहा है। तो चलो यार अभी चलते हैं, इनको एक रील बनानी है जिसमें इन सबको करना कुछ नहीं है, बस हाय हाय करना है। देखो सीरियसनेस देखो सबके चेहरे पे। तो यार फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं मिनी गोवा, मतलब कि पठानकोट, बट यहाँ पे गोवा वाला मॉल है नहीं, लिटरली आई डोंट नो व्हाई इस जगह को जो है मिनी गोवा बोलते हैं, बट यहाँ पे किसी से पूछने की कोशिश मैं जरूर करूंगा जो यहाँ पे रहते हैं कि इसको मिनी गोवा क्यों बोलते हैं। बाकी मौसम देख लो कि ऐसा ही है, बट है तो थोड़े से पहाड़ों वो झील वगैरह ही, और बोटिंग वगैरह यहाँ पे होती है, और थोड़े बहुत से फूड कोर्ट्स हैं यहाँ पे, बट जो धूप है वो ज़्यादा है, और आप छाँव में खड़े हो रहे हो ना तो आपको ठंड लगेगी। सो ऐसा ऐसा सीन है यहाँ पे, सब अपने अपने ब्लॉग्स बनाने में शुरू हो गए हैं, और बस अपन लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। चलो एक काम करता हूँ, एक मोबाइल हम लोग लेके चलते हैं, मैं पीछे बैठूंगा, तेरा मैं रिकॉर्ड करूंगा। चलाओ भाई डाइक्यू में चलाओ। अभी हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं, और ये गाड़ी ट्राई करने वाले हैं, प्रियम भाई आगे बैठ चुके हैं, और देखो हम ये ट्राई करने वाले हैं, काफी डर लग रहा है भाई, लोगों को एक्सेलरेटर भाई भगवान के नाम पे। चलो चलो मैं पैसा लगा रहा हूँ भाई, मुझे पहले उसमें जोड़ लो पाँच मिनट। भाई बच्चे को आइए बताओ यार, ये ठोकेगा, ये ठोकेगा, अरे मेरा इंश्योरेंस नहीं है।
दोस्तों यहाँ पे बहुत भारी कैलकुलेशन चल रही है, अभी हम लोग बोटिंग करने जा रहे हैं तो काफ़ी पैसा हमसे लिया जा रहा है, लाइक 2-3 बैग हमने मंगवाए हैं अभी पैसे देने के लिए, और ऑनलाइन शायद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने बैठ गए क्योंकि अमाउंट ज़्यादा हुई है, तो कैश लाना तो फिर पुलिस की रेड पड़ सकती है, तो सीरियस मत देख लो। कितना करना है इनको? 4,000। भाजी वीडियो में आ गए हो आप यार, कुछ कम कर दो यार, फेमस हो जाओगे यार आप, सारे एलपी वाले हैं यार, डिस्काउंट तो दो पहले भाजी, थोड़ा और हमारे कहने से दे दो। आप मना कर रहे हो देख लो भाई, तू कम ही कर दे। तो यार चलो अब फाइनली टाइम आ गया है वोटिंग करने का, और शायद लाइफ में पहली या दूसरी बारी मैं वोटिंग कर रहा हूँ, और इस वाली वोट के अंदर शायद पहली बारी, और चलो चलते हैं, दो इंजन वाली वोट, और इधर सब लोग अपना ब्लॉग बनाते 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 आ ही रहे हैं, सो हेयर वी गो। भाई वो वाली वोट यार बहुत महंगी है, पर तुम लोग इतना सपोर्ट दिखाओ कि एक दिन ऐसी वोट खरीद लूँगा। चलो यार चलते हैं, ये पहननी जरूरी है? हाँ पहनने जरूरी है भाई, वरना कल को तुम ही नहीं होगे, तो अभी फटाफट से इसको पहन लेते हैं, ये तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ। पहनते कैसे भाई? पहनते कैसे जैसे साले कोई पहने नहीं, जैकेट पहनते बंद करनी पड़ेगी? नहीं ऐसे ही पहन ले बस, नहीं अच्छा नहीं लग रहा ना, वीडियो के अंदर अच्छे भी तो आने चाहिए। हाँ भाई ऐसे मिलेंगे, रहा नहीं जाता, चीज ही ऐसी है, तड़प ही ऐसी है। चलो यार अभी अपनी तड़प ही मिटाते हैं, चलो जरा। भैया आपसे एक सवाल है मेरा, आप यहीं पर रहते हो ना लोकल, इसको मिनी गोवा क्यों बोलते हैं? मिनी गोवा ये कागजों में पहले गई है, मिनी कश्मीर कहते थे, मिनी गोवा कहते थे, जब पहले मिनी कश्मीर कहते थे तो यहाँ आतंकवादी थे? नहीं नहीं नहीं, आतंकवादी तो यहाँ का लास्ट है। अच्छा, तो लाइक हमने जब नाम सुना था मिनी गोवा तो हम काफी कंफ्यूज थे, तो बस ऐसे ही फेमस करने के लिए। तो यार देखो हम लोग जो थे वो ठीक थे कि मिनी गोवा यहाँ जैसा कुछ तो है नहीं, बट ऐसे ही नाम रख गया है तो रख गया है, कभी बदलेंगे, कभी बदलेंगे, कभी हम अगर पॉलिटिक्स में पहुंच गए तो बोलता हूं मैं, अच्छा हूं मुझे पता है, और मैं पॉलिटिक्स में अगर पहुंचा और मैं पार्लियामेंट तक गया तो पक्का इस जगह का नाम जरूर चेंज कराऊंगा। अंकल वहां बैठ के स्माइल कर रहे हैं, हमारे अंकल ने हमको राइट इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे मेरे को एक सौरभ जोशी मिनी लाइट मिला है, आप देख सकते हो ये पीछे से बिल्कुल सौरभ जोशी जैसा लगता है। मैं पीयूष, हाँ भाई भाई क्या बात है, सौरभ जोशी भाई, भाई जाके सब्सक्राइब मैं करूंगा भाई सौरभ जोशी को, और बता। नहीं नहीं मेरे को यूट्यूब करके ये अपना प्रमोशन ही कर रहा है सुबह से भाई। तो यार अभी पता चला अश्वित कहाँ गया, ये अभी यहाँ का ना पानी पी रहा था, बट मैंने अभी देखा यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, तो ये मछली का क्या पी रहा था वो मुझे भी नहीं पता। मैं एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, यहाँ सामने चांद भी है और यहाँ पे अभी सूरज भी है, मेरे को नहीं पता था चांद और सूरज दोनों एक ही टाइम पे भी होते हैं, बट मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम नोटिस की, सो आई थॉट कि शेयर भी करते हैं। तो यार आप लोगों को पता ही आज संडे है और संडे में मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था लिटरली, बट आज जब हम आ रहे थे तब भी थोड़ा मूड ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि मेरा क्या रहता है संडे में मैं 1 बजे उठता हूँ और एक वीडियो जो है मेरा वैसे मैं पब्लिश करने वाला था जो कि अब कल 12 बजे आने वाला है, वो मेरा अब तक का चैनल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट या कह लो सबसे बड़ा वीडियो है, जो कि आप बोलोगे लाइक बिल्कुल एक फिल्म मेकिंग टाइप है, तो मेरे को पता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है सभी लोगों को एलपीयू में। और अभी ये देख लो नज़ारा वगैरह, अभी फोटोशूट वगैरह अपन लोगों का चल रहा था और अब बस संडे एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद हम एक मंदिर में जाने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिप अधूरी होती है बिना भगवान की भक्ति के, और मेरे ब्लॉग में भी आपने देखा होगा मैं पहले पूजा करता हूँ उसके बाद बाहर निकलता हूँ, तो आज सुबह भी पूजा करता हूँ। भैया के माला से आप पहचान सकते हैं कि मतलब माला से पहचान सकते हैं बंदा कितना मानते हैं, तो चलो यार चलते हैं, और आई होप कि ये जो ट्रिप है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी विशेष भाई के साथ, क्योंकि ये बहुत विशेष है, और अभी सस्ते सौरभ जोशी से वहाँ पे वो सौरभ जोशी वाला काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो है, तो यार यहाँ पे हमारा जो सस्ता शाहरुख खान अभी शुरू हो गया था, तो सस्ता सौरभ जोशी भी मिल गया, सस्ता शाहरुख खान भी मिल गया, अब पता नहीं अभी कौन और देखना बाकी है। ट्रिप सस्ती नहीं है, सस्ता शाहरुख खान तो बैठ जाओ। तो फाइनली आप लोग पीछे से देख सकते हो ये बिल्कुल सौरभ जोशी जैसा लग रहा है, एंड अभी मैं इसको आगे से भी दिखाऊंगा, इज ऑल्सो अ ब्लॉगर, और देखो पीछे से सौरभ जोशी लग ही रहा है भाई, पीछे पलट, देखो आगे से भी इसके जो बाल है बिल्कुल सौरभ जोशी जैसे लग रहे हैं। भाई नाम क्या है? अशरफ नाम है यार। देखो ये बंदा अश्मीत है और यहाँ पे हमारे मोदी जी है स्वच्छ अभियान स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, और हटना जरा भाई, ये 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 जो बोतल है वो भी अपने ट्रैवलर के आगे नहीं मैंने सुना तेरा मुंह काला मैंने सुना मुंह काला
सो हेलो गाइस, अभी अंधेरा होने वाला है, आप लोग देख सकते हो। और किसी भी भाई ब्लॉग शूट कर रहे हैं यहाँ पे, भाई थोड़ा ज्यादा अंधेरा होने वाला अंधेरा। और यहाँ पे ये देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ये व्यू देख रहे हैं पीछे का गाइस। तो यार देखो, मेरे को ब्लॉग करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब लोग कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं का दिखा दे रहा हूँ। मेरे का तो सुन सुन के तुम लोग ऑलरेडी बोर हो चुके होगे, बट मौसम जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्यारा हो चुका है और एक हसीन मूड ले चुका है। और भाई मेरी रिक्वेस्ट है, चल जाए धक्का सीधा कर दे, चल जाए धक्का सीधा कर दे, चल जाए धक्का सीधा कर दे, चल जाए धक्का सीधा कर दे। मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा, ओ अपनी बाहों में सब आके रखूंगा, तू मान मेरी जान। तो चाय पी लो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चाय पी लो, फ्रेंड्स चाय पी लो, फ्रेंड्स चाय पी लो, फ्रेंड्स हम दोनों में। सो फाइनली गाइज, दिस इज द टाइम टू एंड दिस ब्लॉग हेयर। और अभी अपन लोग लौट ही रहे हैं, मतलब फाइनल पहुंचे नहीं है, हुआ तो एक दो लास्ट में रात का लवली का बाहर से शॉट डाल दूंगा, भले मेरी बाइक अंदर है तो अंदर तो जाऊंगी और तो थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। बट अभी अपन लोग चाय वाय पीने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे अभी अपन सब लोग ये बाहर उधर चकना वकना ले रहे हैं अच्छे से एकदम मस्त, और चाय हमने ऑर्डर कर दिया है और अभी बस यहाँ से निकलेंगे। सो लोगों से एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। तो गाइज कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? बढ़िया। और कोई अपने कुछ चंद शब्द शेयर करना चाहेगा? मैं ये बोलना चाहूंगा, आप लोग आए सारे इन्फ्लुएंसर्स, हमें अच्छा लगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग फिर से हमारे साथ आए, किसी ट्रिप पे नहीं पड़ेगा, ऐसे गेट टुगेदर करते हैं हम लोग साथ में, बातचीत कर सके, बात करें और समझे दूसरे को, मैं यही चाहूंगा। बाकी मुझे बहुत मजा आया आपके साथ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई लाइक योर वर्ड्स। तो चलो इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करते हैं और लास्ट में कुछ सिनेमैटिक्स हुए तो मैं लगा दूंगा, बट आई रियली एंजॉय दिस ट्रिप, क्योंकि मेरे को लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनको जानना काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार फाइनली जो मैंने सोचा था कि मैं एंड में ही कर दूंगा, बट एंडिंग में हुई नहीं, कुछ अलग एक्साइटिंग है। रात के जो है 10:32 हो रहे हैं और अपन अभी लवली के गेट पे हैं और यहाँ पे सारे के सारे काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और सब लोग भटक चुके हैं। विशेष, आदित्य, वेयर आर ऑल? तो गाइस, हे पेप, उड़ रहा।